बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां के जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में एक ऐसी शिकायत पहुंची जिसको सुनकर अधिकारी चौंक गए। शिकायतकर्ता ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शरीफ उद्दीन पीरजादा की बुरहानपुर में कई संपत्ति है जिसकी जांच की जानी चाहिए। आईटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर सूर्यकांत उर्फ डॉक्टर आनंद दीक्षित ने शिकायत की है कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय शरीफ उद्दीन पीरजादा की बुरहानपुर के इमागिर्द क्षेत्र में कई संपत्तियां हैं, उस शत्रु संपत्ति का सीमांकन राजसात किया जाना चाहिए। उन्होंने शिकायत में कहा कि देश के बंटवारे के बाद देश छोड़कर शत्रु देश के साथ जाने वालों की संपत्ति के लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 लाया गया था। देश के अन्य प्रदेशों के साथ ही मध्य प्रदेश में भी शत्रु संपत्तियां हैं। इस मामले में एसडीएम ने कहा है कि शिकायत की जांच कराएंगे। एसडीएम वीर सिंह चौहान ने कहा कि आनंद दीक्षित नामक एक व्यक्ति ने जनसुनवाई में शिकायत की है, उसकी जांच कराएंगे। अगर शत्रु संपत्ति है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। सरकार ने एक्ट लाया था शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968, जिसमें समय समय पे जो है संशोधन हुआ है। ये एक्ट में दिया गया है कि जब बंटवारा भारत से पाकिस्तान के साथ में, तो उसमें जो लोग देश छोड़ के शत्रु देश के साथ चले गए, पाकिस्तान चले गए, तो वो उनकी जो संपत्तियां थी वो शत्रु संपत्ति के दायरे में आई। ऐसी बांग्लादेश के समय पे और चीन युद्ध के समय भी जो प्रॉपर्टियां और जो लोग यहाँ पे चले गए थे छोड़ के देश, तो वो शत्रु देश के साथ हुए और उनकी संपत्तियां शत्रु संपत्तियां हुई। इस एक्ट के अंदर उन संपत्तियों को राजसात करने का अधिकार दिए गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय शरीफुद्दीन परिजादा की संपूर्ण शत्रु संपत्ति की जांच के संबंध में आवेदन आया है, उसकी हम जांच करके आगे प्रतिवेदन भेजेंगे।